आज के इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालने के लिए सीखेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा तो आप आसानी से सीख जाइएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम दाएं साइड से हम जोड़ अंक लेते हैं, ये भी ले लिए और यहाँ भी ले लिए। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, दो से। तो दो से लगाएंगे तो क्या लगेगा, दो दूना चार, ये कम हो जाता है। उसके बाद हम तीन से लगाते हैं तो तीन के नौ, हाँ लग जाता है। तो यहाँ पर हम तीन से लगा देंगे, कितना से, तीन से लगा देंगे और यहाँ पर भी तीन लिखेंगे और तीन को दो बार लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद तीन थी ही नौ, यहाँ भी प्लस का चिन्ह देंगे और यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा छः। और इसको नौ में, ग्यारह में से नौ घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा दो, ये आ जाएगा यहाँ पर पाँच, यहाँ आ जाएगा छः। अब यहाँ पर कौन सा संख्या रखेंगे जो हमको आ जाएगा 256, तो आप ध्यान दीजिएगा तो ये छः है, तो कितना से हम रखेंगे आप अनुमान लगा सकते हैं, तो आप यहाँ पर लगाइएगा चार से, तो चार चौक 16। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चार रखेंगे, यहाँ पर भी चार रखेंगे और इस दोनों को जोड़ेंगे, चार चार आठ, ये छः है तो छः लिख देंगे। अब इसको गुना करिए, चार चौक सोलह छः, बाकी बच्चा एक, छः चौक चौबीस एक 25, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया और यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको कोई पूछ दिया जाए, अगर कहेगा कि 34 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप 1156 बोलिएगा। अगर आपको कह दिया जाए कि 1156 का रूट कितना होता है, तो आप क्या बोलिएगा, 34, यही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।